brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. आपके गांव में मोहल्ले में आता है अपनी समस्या लेकर दोस्त है, और जो सरकार का दोस्त पूछो कि आपने क्या किया पिछले 5 साल में, और जो विपक्ष का है उससे पूछो आपने क्या आवाज उठाई। अगर लोगों को लगता है कि भाई नहीं ये फूलांगे लायक है तो उसको फूलांगे डाल दो, अगर जुताएंगे तो उसको बताओ भाई तू जुताएंगे लायक है तो बता डलवा ले अपनी। स्टैम पे स्वराज की किताब बेचते थे हम, अब ये शराब कद बेचने लगे मुझे नहीं पता। खट्टर साहब जब जाएं तो उनसे पूछना, सवाल पूछो अगर भाई आपने क्या किया। हमारे साथ नवीन जयहिंद है जो अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, हमसे तमाम विषय पर बातचीत करेंगे। जयहिंद साहब एक सवाल मैंने प्रेस वार्ता में भी आपसे किया था कि अब जयहिंद का वो रूप नहीं दिखता पिछले 4-5 महीने से। क्यों यार, मेरा तो वही रूप है, मेरा तो कोई कुछ जो कानू वानू सेम का सेम है, हर तरह से सेम है। आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, कोई धमकी तो नहीं मिली या कोई प्रेशर तो नहीं नवीन जयहिंद पर? नहीं यार, कौन धमकिया, हम ये महाराज तो ना डरता, मैं धमकी मेरे तो कौन दे देगा। दो जैसी ठाडी है, एक तो सरकार है एक यमराज है, भोलेनाथ का परशुराम का हमारे आशीर्वाद, मैं क्यों डरूंगा किसी से। हमने जितनी लड़ाई लड़ी जितनी आवाज़ उठाई, आज भी मैं तारीख पर तो आ रहा हूँ अड्डे कोर्ट में, कौन सा नेता है पिछले 20 साल में 10 साल में 2 साल में जिसके ऊपर इतने केस लगे हैं, मैं तो ये भी नहीं लड़ रहा हूँ। अरे मुख्यमंत्री साहब थे यार, वो हट गया ही, बताइए हट गया थी, नया आया ही चुनाव। आपको क्या लगता है उनके हटने के बाद काम सब ठीक हो गया? ना ना ना, चुनाव आ गया ना, इब चुनाव आ गया, इब चुनाव चल रहा है, किस तक के काम है बताओ। मैं तो लोगों देखूँ अब तो, आके भाई आवाज़ उठाओ और एक जूतियाँ की माला रखो और एक फूलों की माला रखो, जूते मारो मत, झगड़ा मत करो, आपसी भाईचारा खराब मत करो। आपके गाँव में मोहल्ले में आता है अपनी समस्या लेकर दोस्त है, और जो सरकार का दोस्त पूछो कि आपने क्या किया पिछले 5 साल में, और जो विपक्ष का है उससे पूछो आपने क्या आवाज़ उठाई। अगर लोगों को लगता है कि भाई नहीं ये फूलांगे लायक है तो उसको फूलांगे डाल दो, अगर जुताएंगे तो उसको बताओ भाई तू जुताएंगे लायक है तो बता डलवा ले अपनी, मारो मत किसी गाड़ी दुपड़े मत करो, रास्ता रोकने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल करो। तो मैं तो ये अब पब्लिक तो यही कैंपेन चला सकूँ, जल्दी ले गया आप लोगों के बीच में, जूते ही माड़ा रे फूला ही माड़ा। अभी जनता के बीच में बात चली थी कि आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे, सोनीपत से टिकट मिलेगी रोहतक से, कहीं वो तो नहीं प्रेशर कोई, कहीं भाजपा में जाना पड़ जाए आपको, कांग्रेस में कुछ ऐसा? कितना भी जाना पड़ जाए फिर मन की प्रॉब्लम है उसमें, हम तो जीत जाए काम करो सब। इसमें कि भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं है, सरकार की बात है। मेरी भाजपा या कांग्रेस से किसी से लड़ाई नहीं है, मैं पिछले 10-20 साल हो गए लड़ते, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पे भी मुख्यमंत्री था सरकार था उससे लड़ाई थी, अब 10 साल 9.5 साल हो गए इनको, तो मेरी कोई भाजपा तो थोड़ी है, मेरे तो भाजपा कांग्रेस में मेरे डिब्बी हैं, दोस्त हैं, जो कुर्सी है वहाँ जो पावर है लड़ाई उसके साथ है और उसी के साथ लड़ाई। आपका मकसद क्या है, आप राजनीति में नहीं जाना चाहते फिर सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, तो फिर मकसद क्या आपका, कैसे कैसे जो आप बोलते सिस्टम को ठीक करना वो उसको कैसे करेंगे फिर? मेरे को देखो, मैं खुद पार्टी में रहा हूँ और सरकार में भी रहा हूँ, तो मेरा अपना ये मानना है कि सरकार में अगर है वो आप तो आपका काम है कि लोगों के काम कराना, अगर आप विपक्ष में हो तो आपका काम संघर्ष करना, लोगों की आवाज़ उठाना। अब मेरा जो काम है, मुझे जो लगा है मेरे को जो करना चाहिए, वो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत सक्सेस जरूर रहा है, लोगों को जागरूक करना कि आप अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के लिए जागरूक हो। नेताओं की जय बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, अकेले कोई अच्छा काम करता है बोलो, लेकिन मेरी जात का है, मेरे क्षेत्र का है, मेरे धर्म का है, फलाने का है, मेरे को पर्सनल बेनिफिट पहुँचाया है तो जय बोलूँगा। तो ये तो पिंडी चाट लोगों के, पानी मार लोगों के काम होते हैं, और मेरा है कि हर आदमी को एक जागरूक होना, अपनी आवाज़ उठाओ, चाहे सोशल मीडिया उठाओ, गाँव में नेता है उससे सवाल करो, बेरोजगारी पर सवाल करो, मुद्दा पर करो, SYL पर पूछो। मैं तो लोगों से कहूँ, अब गर्मी आ गई ना, सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे चुका है SYL पर, सारी पार्टियाँ तो पूछो पानी कौन लेगा होगा, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है कौन लेगा होगा पानी, पूछो सबसे, पूछो बेरोजगारी पर, पूछो अपनी साफ सफाई पर, पूछो मतलब आपकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, आपके और जो भी इशू हैं लोकल से लेकर स्टेट से लेकर नेशनल तक। आपको क्या लगता है SYL का मुद्दा हल क्यों नहीं हो रहा है, केंद्र में भी बीजेपी, हरियाणा में भी बीजेपी? हाई सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पंजाब सरकार ने निर्माण कराए, अगर वो नहीं कराती है तो केंद्र सरकार कराए, केंद्र नहीं कराता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद कराएगा, तो हम तो यही बात कह रहे हैं, अब तो चुनाव आ गया, बताओ भाई कौन करवाओगा। आपके एक पुराने साथी है, अभी हाल में जेल के अंदर है, आप उस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्या कहना चाहोगे? वो जेल के अंदर है और काफ़ी ईमानदारी की बातें पार्टी भी करती थी, तो इस पर क्या कहना आपका, क्योंकि वो पार्टी अब तानाशाही का आरोप लगा रही है? वो कोई देखो, कोई ईमानदार है कि बेईमान है ये तो तय करेगा न्यायालय, मैं और आप तो तय करेंगे नहीं है।
और मैं हम जब गए थे जेल मन्ना आंदोलन के दौरान, तो मैं और जो हमारे साथी हैं अरविंद जी, तो वो एक ही बैरक में थे, और मनीष सिसोदिया जी और अन्ना आचार्य जी वो अलग बैरक में थे। तो उस टाइम पे स्वराज की किताब बेचते थे हम, अब ये शराब कद बेचने लगे मुझे नहीं पता। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें दुख है, और मैं खुद ज़्यादा नहीं तो 20 दिन मेरा 17 साल पुराना नाता रहा था, 17 नहीं तो 34 दिन मैं जेल में रहने के लिए परमानेंट जेल में, ऐसे नहीं है उस वाला के हमारे को जेल में पकड़ लिया हिरासत में ले लिया ना। और मैं पार्टी के सभी लोगों को कहूँगा, जितने MLA MP हैं सबको एक एक महीना भी गुजारेंगे तो साल दो साल निकल जाएंगे। और वो तो न्यायालय के ऊपर है, मैं कह दूँ उनको चोर है, बेईमान है, ईमानदार है, वो तय अब कोर्ट करेगा, हम तय नहीं करेंगे। तो सबको थोड़े थोड़े दिन जेल में जाना चाहिए उनको, अगर उनके सही सच्चे वो मानते हैं। और बहुत से लोगों ने उनसे फ़ायदा दिया है, अब उसने तो बहुत लोगों को फ़ायदा उठाया है। अब कई लोग तो बताऊँ बेराय नहीं बाजे रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, तो ये गिदड़ विदड़ पाड़ोगे तो ऐसे ही होगा, वो मौके पर नहीं मिलेंगे। और हमारी पूरी सहानुभूति है। और आखिरी सवाल है सर, करनाल लोकसभा से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस संजय दत्त को भी उतार सकती है, अभी नाम सामने आ रहे हैं, आप तो आपके हर मुद्दे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री टारगेट रहते थे, क्या अभी कोई शुभकामनाएं देंगे उन्हें? नहीं, मुख्यमंत्री साहब को शुभकामनाएं दूंगा, और मैंने तो मेरे मुँह में तो निकल गई थी, और शराब दिया गया था, उस शराब में मुख्यमंत्री को हटना पड़ा। हालांकि वो आदमी मानते आपकी शराब से हट, नहीं नहीं मैं नहीं मानता, ऊपर वाले की कृपा है, मेरी नहीं है, आप वीडियो उठा के देख लो पुरानी। लेकिन मुख्यमंत्री जो थे अपने एक्स खट्टर साहब, आदमी अच्छे हैं, मैंने कभी उनका व्यक्तिगत मेरा उनके साथ कभी कोई वो नहीं रहा, लेकिन तो मतलब आदमी अच्छे, पार्टी गलत आपके? नहीं नहीं, वो जो वर्किंग स्टाइल था, लोग परेशान थे तो हम उसकी आवाज़ उठाते थे। अब वो उस टाइम पर अधिकारी बकाया करते हैं, कौन बकाया करता, मैंने क्या मतलब उस चीज़ से। अरे भाई अब पानीपत करनाल के लोगों ने देखना है, अगर भाई उनको जताना है, हराना है, संजय दत्त आवे है, संजय दत्त का की आवे है कुछ, वो एक अलग चीज़ है, वो लोगों ने देखना है कौन तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। मैं तो ये कहूँगा, लेकिन कोई भी पार्टी है, अब खट्टर साहब जब जाएं तो उनसे पूछना, सवाल पूछो, अगर भाई आपने क्या किया उनको बताना चाहिए, या आप अपनी जो समस्या वो दिखाओ उनको, और खड़े हो लोगों को लेके कि भाई हाँ बताओ, सवाल पूछो, होंगे मुख्यमंत्री तो जा लिया, अब सवाल पूछना चाहिए। अरे भाई बात है, संजय दत्त का तो के लेना देना यार, वो हड़के करेगा, उसका के लेना देना, यहाँ लड़ा कौन था, उसने क्या आवाज़ उठाई, उसने क्या आवाज़ उठा दी, ये तो फद्दू का हरियाणा से है, हरियाणा तो है नो थोड़े है नो, तो हरियाणा तो अमरीका में पड़े हैं, मेरे देश यार, ये कोई मतलब, या मेरा समझ में नहीं आती बात है। अगर जिस आदमी ने क्या, कांग्रेस में और मर गए लोग, जो हाड़े लोगों के बीच में रहे हैं वे मर गए, ये क्या मतलब है? वो कांग्रेस का निर्णय, मेरा नहीं है, मन ने क्या करना है? लेकिन मैं तो वैसे कह रहा हूँ, अब कांग्रेस के लोग है बेचारे कार्यकर्ता हैं, वो तो अपना जाएगा फिर बम भी लौट जाएगा यार, हरियाणा से है भला, मैं हरियाणा से पूरी दुनिया में क्या रखित जा रहे हैं। कोई भी पार्टी अपने उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हो तो ठीक है, उन्हीं को उम्मीदवार उतारे जिन्होंने लोगों के बीच में रहे हैं, काम करे हैं, किसी के दुख सुख में साथ आए हैं। न्यू था फिर उड़े सारी बॉम्बी ने ठा लिया, नरे हरियाणा के सारे ने बना दो कैंडिडेट, नरी हीरोइन है सारे ने MLA का चुनाव, उसमें भी बना दो सारी पार्टी। ये मैं इस चीज़ में वो नहीं मानता, जिसने कांग्रेस के नया चो का BJP टिकट देती है, कांग्रेस या कोई भी पार्टी देती है, अपने कार्यकर्ताओं को दो यार। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ नवीन जैहिन थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और लोकसभा चुनाव को लेकर भी जनता से अपील की, जब भी नेता वोट मांगने आए उनसे सवाल करे कि ये कार्य क्यों नहीं किया। अपने सहयोगी अभिमन्यु के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।